आज लेक्चर में हम दो बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में होते हैं वो ड्राइव करने जा रहे हैं। और पहला रिजल्ट है वो कॉची इंटीग्रल फार्मूला है, जिसकी स्टेटमेंट है कि द वैल्यू ऑफ एन एनालिटिकल फंक्शन एफ एट एनी पॉइंट जेड नॉट इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कंटूर इंटीग्रल। तो ये कहा गया इसमें कि आपके पास अगर कोई एक कंटूर है और वो जितना रीजन लेता है, जैसे कि एक कंटूर सी है और इसके अंदर का रीजन ये शेडेड आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर आपने किसी पॉइंट पे फंक्शन एवेल्युएट करना है, लेट से जेड नॉट पे, वो आप इस बाहर कंटूर इंटीग्रल से एवेल्युएट कर सकते हैं, जो कि ये मैथमेटिकली एक्यूरेट स्टेटमेंट में लिखा हुआ। तो मुझे चाहिए जेड नॉट पे और ये पॉइंट है कंटूर इंटीग्रल के रीजन के अंदर, तो एफ ऑफ जेड नॉट मैं ले सकता हूँ अगर मैं सिर्फ ये कंटूर पे इंटीग्रेट करूं इस फंक्शन को, तो वो इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट होगा, ये एक्सप्रेशन है। तो जेड ऑन कंटूर, तो जेड हमारे पास ये कंटूर पे, ये जो आपको नजर आ रही है ब्लैक लाइन, ये कंटूर पे है, और जेड नॉट जो है हमारे पास कंटूर रीजन के अंदर है। और जैसे कि यहाँ से वाजी है कि एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट आपके पास एनालिटिक है सिवाय जेड नॉट पे, और अगर आपके पास एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास थ्रू आउट रीजन में ये एनालिटिकल फंक्शन बन जाएगा। तो अगेन हम इसको प्रूव करने के लिए वही ब्रांच कट यूज करेंगे कि मैंने सिंपली कनेक्टेड डोमेन बनानी है, तो मैंने यहाँ से ब्रांच कट चूज किया और इसको सिंपली कनेक्टेड डोमेन में कन्वर्ट किया। और ये रिलेशन हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि ये कंटूर पे इंटीग्रल है एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज ये, और टोटल आप जो अंदर इस स्मॉल सर्कल पे जो सी टू है इस पे इंटीग्रेट करोगे होल इंटीग्रल माइनस के साथ इक्वल टू जीरो है, तो टोटल इंटीग्रल मैंने लाइन पे लेना था, तो वो इक्वल टू सम सम है जो एक नेगेटिव शो कर रहा है हमें कि एक तरफ से आप जाओगे अगर इस पॉइंट से इस तरफ जाओ और इस तरफ से इस तरफ आओ तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। ये चीजें हम लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, तो आप वहां से कंसल्ट कर लें। अब मैंने इसको ये किया कि जेड नॉट को ओरिजिन ले लिया सर्कल का, लेट से ये जेड नॉट जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, और मैं आर ई पावर एटा थीटा और इस आर से जो कि सर्कल का रेडियस होगा कोई, मैंने इसके अंदर ड्रॉ किया है स्मॉल सर्कल, तो उसका ये रेडियस है, तो मैं इसको थीटा को वेरी करते हुए इसके किसी भी पॉइंट पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो डी जेड मैं इसका डिफरेंशियल लेता हूँ, जेड नॉट वैसे कॉन्स्टेंट है, तो डी जेड इज इक्वल टू आ गया ओटा आर ई पावर ओटा आर थीटा, और इस वाले इंटीगल ये इंटीगल क्लोज इंटीगल इसके इक्वल ही है, तो मैं सिर्फ इसी को एवेल्युएट करूंगा, तो एफ ऑफ जेड देर मैं जेड नॉट क्लोज इंटीगल इक्वल टू, और एफ ऑफ जेड की जगह पे मैंने एफ ऑफ जेड नॉट प्लस आर पावर ओटा थीटा जेड की वैल्यू पुट कर दी है, और नीचे जेड माइनस जेड आर नॉट की जगह पे आपके पास आर ई पावर एटा थीटा है, क्योंकि जेड माइनस जेड नॉट को सिर्फ ले जाओ आप, ये रह जाएगा आर पावर एटा थीटा, तो ये नीचे आ गया, और डी जेड की वैल्यू मेरे पास ही है, तो आप देखो ये काफी टर्म ई पावर एटा थीटा ई पावर एटा थीटा आर आर कैंसिल हो जाएंगे, और आप अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें आर अपोचे जीरो, तो आपके पास ये टर्म जीरो हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जेड नॉट कॉन्स्टेंट है एटा एफ जेड नॉट, और इंटीग्रेशन सिर्फ डी थीटा पे रह जाएगी वो 2 पाई है, तो आप देखो कि ये एग्जैक्टली यही रिजल्ट है जो ऊपर लिखा हुआ है आप ब्लैक मार्कर से, ये हमने डिवाइड कर लिया, तो ई पावर आयोटा 2 पाई आयोटा आप इस सिर्फ ले जाओ एफ जॉट नॉट इज इक्वल टू दिस हो जाएगा एग्जैक्टली यही रिजल्ट। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक एंड देयर फोर कंटिन्यूस एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, तो एनालिटिसिटी भी होल्ड करती है थ्रू आउट रीजन में, दिस इज क्लोजली एनालॉगस टू अ टू डायमेंशन फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, तो आप ये देखो कि ये आपके पास बिल्कुल सिमिलर है गॉस लॉ जो टू डायमेंशन की आप इसकी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, जैसे कि लेट से आपके पास ये अगर सिलेंड्रिकल रीजन है और दरम्यान में ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है ये लाइन है लाइन चार्ज है, तो आप इस लाइन चार्ज पे चार्ज कितनी मैग्नीच्यूड है वो फुली एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर आपके पास इस बाउंड्री पे सिलेंडर पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, अगर आपके पास इस बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है सिलेंडर की, तो इसके अंदर कितना लाइन पे चार्ज है आप आसानी से बता सकते हैं, तो ये बिल्कुल गॉस लॉ के एनालॉगस है। तो अब सवाल
होता है कि अगर आपके पास जेड नॉट आउट ऑफ द रीजन है, आउट ऑफ द कंटूर है, तो फिर क्या होगा? तो फिर उसके लिए ये हमारे पास है कि अगर आपके पास जेड नॉट एक्सटीरियर पॉइंट है, आउट ऑफ द रीजन है, तो ये जीरो होगा. अगर इंटीरियर पे है तो एफ जेड नॉट होगा हमारे पास रिजल्ट. अगर यहाँ पे कहीं जेड नॉट ड्रॉ कर दो लेते हैं तो यहाँ पे जीरो, अगर आपके पास रीजन के अंदर है तो जेड नॉट आपको. ये भी आप देखेंगे गॉसियन लॉ के मुताबिक ही है ये भी स्टेटमेंट. एग्जाम्पल देख लें एक, कि हमने इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है और सी हमारे पास सर्कल है, कंट्रोल सर्कल है, उसका रेडियस है 2. तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे एफ ऑफ जेड आपके पास ही है, इससे कंपेरिजन करके. एफ ऑफ जेड आपके पास ऊपर डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में आप कंपेरिजन करोगे तो जेड नॉट मिलेगा आपको माइनस से उठा के. तो इसमें आपके पास माइनस से उठा इन द सर्कल एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपके पास ये वाला रिजल्ट होल्ड को होगा, 2 पाई ओटा उस तरफ चला जाएगा. एफ आप वैल्यूएट कर लो सिर्फ जेड नॉट पे माइनस ओटा, और माइनस ओटा आप पुट करोगे इस वाले रिलेशन में, इस रिलेशन में आपके पास ये आएगा और ये आपका रिजल्ट है. बिल्कुल उसी तरह आप एक और वैल्यूएट कर सकते हो ये इंटीग्रल, और इस केस में हमारे पास सर्कल है जिसका ओरिजिन ये है और रेडियस 4 है, और आप देखोगे जो जो 2 पॉइंट्स हैं इसमें उनमें से सिर्फ 3 आयोटा जो है वो सर्कल के अंदर है, तो एक के लिए इंटीग्रल 0 होगा, दूसरे के लिए आप एवेल्युएट कर लोगे. तो ये है हमारे पास कॉशी कॉशी इंटीग्रल दो एग्जांपल्स के साथ.